जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पंचायत सहायक भर्ती से रिलेटेड हम हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको दे रहे हैं। दोस्तों, कैसे पंचायत सहायक गए, कैसे ठहरे हुए थे और किस तरीके से वहां से लौटे, इस तरीके की पूरी जानकारी हम आपको दिए। यहाँ तक कि वहाँ योगी जी ने क्या क्या कहा, उनकी स्पीच भी मैंने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से सुनाई। दोस्तों, हर एक जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो पे बने रहिए। और क्या क्या योगी जी ने दिया है, इस वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे तो हर एक चीज़ से समझ पाएंगे और किस तरीके से क्या क्या आगे की रणनीति है, इसका फ़ायदा किस तरीके से 2022 में चुनाव में योगी जी उठाने वाले हैं, इसकी भी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, पंचायत सहायकों को वहाँ पर बुलाया तो गया था लखनऊ, लेकिन उन लोगों के साथ क्या कैसे नाइंसाफ़ी की गई है ये भी मैंने आपको बताया और उसके पीछे राज क्या है इसकी भी जानकारी मैंने आपको दी थी। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं इस वीडियो में आगे। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए तो आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी से रूबरू हो सकें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो में आगे, देखते हैं क्या है कुछ खास अपडेट। पंचायत प्रतिनिधियों को योगी जी ने क्या क्या दिया है, चलिए देखते हैं। पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा, प्रधानों का 5,000, प्रमुख को 11,300 व जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रतिमाह 15,500 मिलने वाले हैं। दोस्तों, जो जितना लूट कर रहे थे उनको और ज़्यादा पेमेंट बढ़ा दी गई है। ग्राम प्रधान क्या कम लूट कर रहे थे? करोड़ों रुपए के गमन में ग्राम प्रधानों के ऊपर कार्रवाइयाँ हुई हैं और कई जगहों से ऐसे अब ऐसे मामले भी आए हैं जहां पर वहां की जांच भी अभी तक लटकी हुई है। यहां पे ब्लॉक प्रमुख को 11,300 हो गया, जिला पंचायतों को 15,500 ये महीने मिलने वाले हैं। इसके साथ वो जो उनको जो काम मिलेगा, 420 करते हैं 420 करके, अगर 1,00,000 का काम है तो 20,000 में, 30,000 में, 40,000 में करा के 50,000, 60,000 वो सचिव मिल के खा जाते हैं, वो अलग है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे, देखते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले गांव में विकास की गंगा बहने और पंचायत प्रतिनिधियों को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उपहारों की झड़ी लगा दी। सभी पंचायत प्रतिनिधियों का प्रतिमाह 1500 रुपये तक मानदेय बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रधानों को 5,000, ब्लॉक प्रमुख को 11,300 व जिला पंचायत अध्यक्ष को 15,500 रुपये देने का ऐलान किया है। अब सूबे के करीब 7.5 लाख ग्राम पंचायत सदस्यों को भी मानदेय मिलेगा। ग्राम पंचायत सदस्यों को भी दोस्तों यहाँ पर मानदेय मिलने वाला है। मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों के निधन पर स्वजनों के ग्राम पंचायत कोष से आर्थिक सहायता दिलाने व ग्राम व जिला पंचायतों के प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों में बढ़ोतरी करने की भी अहम घोषणा की है। गांव में सरकार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वृंदावन कॉलोनी में ग्राम उत्कर्ष समारोह में मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से कहा कि यही मायनों के विकास का पैमाना गाँव ही है, उसे विकास की धुरी मानकर कार्य कराए जाने की जरूरत है। 42,478 ग्राम पंचायत भवनों का लोकार्पण किया गया, शेष गांव में भी यह कार्य जल्द पूरा होगा। ग्राम सचिवालय का शुभारंभ हो गया है, जबकि ये झूठ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ताकि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए शहर की ओर भागना नहीं पड़े। हर गांव में प्रधान पंचायत सचिव, पंचायत सहायक एक छत के नीचे मिलेंगे और वहां पर बीसी सखी का मिशन शक्ति के तहत पुलिस की महिला सखी का मिशन के तहत पुलिस की महिला बीट अधिकारी भी होंगी। उन्होंने कहा कि 2020 में अब तक गांव में 52,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी और किसी को भी शोषण करने का अधिकार नहीं रहेगा, बल्कि गाँव में विकास की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। कहा कि देश में यूपी नंबर एक की लड़ाई में आगे रहेगा, पेशेवर अपराधी व कोरोना यहां आने से डरेगा। काशी को नव्य व भव्य बनाया जा चुका है, पूर्वी उत्तर प्रदेश को सिंचाई परियोजना की मिल चुकी है और मेरठ में प्रयागराज तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास 18 दिसंबर को होगा। मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि
जब स्मार्ट शहर बन सकते हैं तो स्मार्ट गांव बनाइए, जहां मूलभूत सारी सुविधाएं हो, शौच मुक्त गांव में सॉलिड वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था, सौर ऊर्जा से जगमगाते रास्ते बने, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो और सुबह शाम लोग भजन सुने। अगली बार स्मार्ट गांव की साकार करने वाले सम्मानित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गांव की सरकार भी एक साथ चले तो ट्रिपल इंजन प्रदेश का नंबर एक अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन जाएगा। प्रदेश में बने 15,000 क्लस्टर, प्रदेश में भौगोलिक रूप से समीप व परस्पर सटी ग्राम पंचायतों में सचिवों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए 15,000 क्लस्टर बनाए गए हैं। ग्राम पंचायत सचिवों की कमी है, इनके अधिकार बढ़ गए हैं। ग्राम पंचायत के विधि अधिकार 2,00,000 रुपये प्रति कार्य से बढ़ाकर 5,00,000 रुपये किया गया है। ऐसे जिला पंचायतों के लिए प्रति कार्य 10,00,000 की सीमा को बढ़ाकर 25,00,000 रुपये किए गए हैं। मैं यहाँ पे दिखा दूँ दोस्तों, तो ग्राम प्रधान की संख्या 58,189, पहले 3,500 था, 5,000 हो गया है। क्षेत्र प्रमुख की संख्या 826 है, पहले 9,800 था, 11,300 हो गया है। जिला पंचायत 75 ये तो अधिक होंगे दोस्तों, ये पता नहीं क्यों 75 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहले 14,000 था, अब जो है कि 15,500 हो गया है इनका मानदेय बढ़ के प्रति महीने। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, लखनऊ में बुधवार को वृंदावन कॉलोनी स्थित डिफेंस एक्सप्रेसो ग्राउंड में आयोजित ग्राम उत्कर्ष समारोह में अयोध्या की ग्राम पंचायत सनाहा को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहना पुरस्कार देते हुए योगी आदित्यनाथ, साथ में उपस्थित पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह, युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह। दोस्तों मैं कुल मिला के आपको बता दूं, पंचायत सहायकों को यहाँ पे कुछ नहीं मिला है, पंचायत सहायकों को फालतू में फिजूल में वहाँ पे बुलाया गया था। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट अपडेट, ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बन रहे हैं, हम आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में नहीं मिलते हैं, अगली वीडियो के साथ अगली लेटेस्ट अपडेट में। जय हिंद।